हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसके मैकेनिकल टेक में। आपको हम आज के इस वीडियो में गैस किट के बारे में बताएंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आप ये देख सकते हैं गैस किट। ये गैस किट इज टाइटेंड बिटवीन टू फ्लैंजेस विथ नो लिक्विड और गैस लीकेज इनसाइड द पाइप। ऑन टाइटेनिंग द गैस्केट स्टिक्स वेल बिटवीन द टू फ्लैंजेस विच मेक्स द लाइन लीकेज प्रूफ। यानी कि दो फ्लैंज के बीच में गैस्केट डालकर टाइट किया जाता है जिससे पाइप के अंदर का तरल या गैस लीकेज न हो। फ्लैंज टाइट करने पर गैस्केट दोनों फ्लैंजों के बीच में अच्छी तरीका से चिपक जाता है तथा लाइन को लीकेज प्रूफ बना देता है। काइंड्स ऑफ गैस्केट, यहाँ पे देखेंगे कि गैस्केट का प्रकार। गैस्केट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक फुल फेस गैस्केट होता है फर्स्ट, और सेकेंड होता है रिंग गैस्केट। तो चलिए हम फुल फेस गैस्केट देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है फुल फेस गैस्केट। द गैस्केट इज ऑफ फुल साइज द फ्लैंज ओडी एंड द गैस्केट ओडी आर बोथ इक्वल एंड द फ्लैंज आईडी एंड द गैस्केट आईडी आर आल्सो द सेम। जो गैस्केट फ्लैंज के फुल साइज का होता है अर्थात फ्लैंज का ओडी तथा गैस्केट का ओडी दोनों बराबर होता है तथा फ्लैंज का आईडी और गैस्केट का आईडी भी समान होता है उसे हम फुल फेस गैस्केट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैंज है और यहाँ पे एक गैस्केट बना हुआ है और ये फुल फेस गैस्केट है। फुल फेस गैस्केट का मतलब ये हुआ कि जो ये फ्लैंज का बाहरी एरिया है यानी कि बाहर से बाहर यानी कि ओडी और जो इसका ये आईडी है ये दोनों मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये गैस्किट का यहाँ पे आईडी और यहाँ से और यहाँ तक का ये ओडी है और ये नंबर ऑफ होल इसमें 4 दिया हुआ है जैसा कि इसमें भी आप देख रहे हैं। यानी कि दोनों जब मैच करेगा तो उसे हम फुल फेस गैस्किट बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिंग गैस्केट। दिस गैस्केट इज ऑफ द साइज ऑफ द फ्लैंज दैट इज द गैस्केट रिमेन्स इनसाइड द बोल्ट होल ऑफ द फ्लैंज एंड द आईडी ऑफ द फ्लैंज। यह गैस्केट फ्लैंज के रेज्ड फेस के साइज का होता है अर्थात फ्लैंज के बोल्ट होल तथा फ्लैंज के आईडी के अंदर में गैस्केट रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो फ्लैंज है और यहाँ पे रिंग गैस्केट बना हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे रिंग गैस्केट मैं बना दिया हूँ और जो ये फ्लैंज है इसका ये जो उभरा हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है पट्टी टाइप में यह है रेज्ड फेस और जो गैस्किट रहेगा ये रेज्ड फेस के ऊपर में ही रहता है। यानी कि जो ये बोल्ट लगेगा बोल्ट के अंदर और जो ये आईडी है आईडी के बाहर यानी कि आईडी मैच करा के ही इसको बनाया जाता है। यानी कि रेज्ड फेस के हिसाब से यह गैस्किट रहता है। यहाँ पे देखिए जो गैस्केट के चारों तरफ ये होल दिखाया हुआ है और इसके अंदर इनसाइड में ही ये गैस्केट बना हुआ है। अब हम जानेंगे कि मेटल के अनुसार कुछ गैस्केट का हम नाम जानेंगे। कभी कभी फिटर या फैब्रिकेटर को इंटरव्यू के दौरान पूछ दिया जाता है कि कुछ गैस्केट का नाम बताइए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है एस्बेस्टस गैस्केट, सेकेंड है रबर गैस्किट, नेक्स्ट मेटैलिक गैस्किट और नेक्स्ट है स्पाइरल गैस्किट और 5 नंबर का है चैपियन गैस्किट। अकॉर्डिंग टू प्रेशर, प्रेशर के अनुसार जो गैस्किट यूज़ किया जाता है जिस हिसाब से प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से ही गैस्किट
यूज़ किया जाता है, जैसे कि 150 पौंड का, 300 पौंड का, 600 पौंड का, 900 पौंड का, 1000 पौंड का और 300 पौंड का गैस किट यूज़ किया जाता है। चलिए हम जान लेते हैं कि गैस किट का यूज़ हम करने में क्या क्या सावधानी हम बरतेंगे। दो फ्लेंचों के बीच एक ही गैस किट डाला जाता है। दो फ्लेंच के बीच अगर जो स्पेड या स्पेसर डाला जाए तो दो गैस किट लगता है। स्पेड या स्पेसर के दोनों तरफ गैस किट होना चाहिए। एक बार प्रयोग होने के बाद गैस किट का दोबारा प्रयोग नहीं होना चाहिए। गैस किट के ऊपर प्रेशर लिखा रहता है, जैसे कि हाई प्रेशर, यानी कि अगर जो ये 300 है की जगह पे 150 पौंड का गैस किट नहीं लगाना चाहिए। पुराना गैस किट चेंज करते समय अगर जो गैस किट टूटकर फ्लेंच से चिपक जाए तो उसे हम अच्छी तरीका से साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद से ही नया गैस किट लगाते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।